स्पेशल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सारे बच्चों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। भरपूर क्लैप करें अपने लिए। ये क्या बात है। अच्छा जी जानू आप क्या कर रहे हैं जी। हेलो, मेरी तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बुलाए आज आपने माशाल्लाह। हाँ जी जानू, एक चुन आपका नाम जानू किसने रखा, इतना प्यारा सा नाम। बस वो मैं बाहर जा रहा था ना गली में, तो वो एक लड़की गिर गई है? तो वो गिरी तो उसने बोला जानू, बस वो जानू हो गया। अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में कीड़े मकोड़े। बच्चों ये क्या कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े? कीड़े मकोड़े कौन खाते हैं? चार पांच छिपकलियां। आई गंदा जानू, कैसे बच्चों के साथ ऐसी बातें कर रहे हो? मकसद जो भी मिल जाता है हम खा लेते हैं। अच्छा यूं कहो ना, आप तो जो छिपकलियों की बातें करोगे तो बच्चे डर जाएंगे। नहीं ईद का मौका है ना, मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मजाक कर रहे हैं, फिर ठीक है ना। चुंटू इनका नाम है, चुंटू जानू आपने कुछ पूछना है इससे, बात करनी है? अच्छा नहीं लगा ये? अच्छा है ना, घर लेके जाओगी इसे? मुस्कुरा रही है जन्नत। कोई बात है क्योंकि जन्नत की आंखें ऐसे घूम रही है तो ये सोच रही है। हाँ वो आपको देख रहे जानू की, तो गौर गौर से देख रहे। ये वाली ये वाली ये वाली हीर, आपने कुछ कहना है? हाँ जी कोई भी सवाल कर ले आप। हाँ, लोग हाँ। पूछ ले, स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं, कोई पोएम आती है कुछ भी पूछ ले। क्या कह रही है आप? स्कूल जाते हैं ना हम स्कूल जाते हैं और फिर छुट्टी का इंतजार करते हैं घर। ये छुट्टी का इंतजार कर। अच्छा वो पूछना चाह रहे हैं, वो बॉयज माइक दो भाई इनको, माइक मार्शल एक्टिव। हाँ पोएम सुनाओ। ओ पोएम, ये तो आपका काम। ये रोहित तो टीचर बन गए। हाँ पोएम सुनाओ भाई जानू चुंटू। पोएम? हाँ पोएम तो हमारी अम्मा का नाम है। ओ पोएम 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 बोलते हैं हमारी अम्मी को। पोएम इनके वो है ना, किसको आते चू चू चू, कौन बताई थी पोएम? ये बड़ी अच्छी सी। हाँ सुनाओ, सुनाओ मेरी शहजादी सुनाओ, चुंटू भी सुन रहे हैं। पहले पहले माइक करीब कीजिए। सुनाओ ना मेरे बेटे। चुना मुना दो चूते थे, एक दिन दोनों दरते निकले दाना चुतने बाद में, चुना एक तारे पे लपका मुन्ने ने तीरा देता पतला पतला लंबा लंबा, मुन्ने ने चुने तू बुलाया दौड़ते पतला दौड़ते तीरा बाहर चिताया 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 बाहर निकला चूचा देता इतना मोटा ताजा चू, चुने मुन्ने दरते वादे चुना पीछे मुन्ना दे। बुक्स में जो पोएम जहाँ है ना उसमें इतने मजे का दिखाते हैं, जो खींचे है ना तो एक डोर से खींचो फिर तो बड़ा सच हुआ। बहुत खूबसूरत पोएम है ये, देखो भाई। अच्छा स्पीड देखो उसके, जब थोड़ी देर में भूल गई वो, मैंने चू 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 चाचा बोले। आपने उसको डिट्रैक्ट कर दिया। हाँ वो दुरा सा हो गया लेकिन वापस अपनी जगह पे आ गए। ये होता है कोई भी कहानी अगर उसकी स्टार्टिंग जहन से निकल जाए। हाँ। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ रूट्स के साथ जुड़े रहो। हाँ। बुनियाद सही होनी चाहिए, आगाज सही होना चाहिए। बच्चों को शुरू में अच्छी परवरिश दीजिए ताकि अंजाम भी अच्छा हो। अच्छा आप क्या बताएं ना, आप भी कुछ बताएं बच्चों को कैसा होना चाहिए, अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? चुंटू जरा बताओ तो सी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की बात मानते हैं, और गंदे बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की बात नहीं मानते और स्कूल भी नहीं जाते। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन अब नहीं हूँ। क्यों क्यों हुआ? अब चैनल पे आ रहा हूँ ना। ये चुंटू ना थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ना पिंच करे। चुंटू अच्छी बात नहीं है, प्यारे प्यारे बच्चे आए, कुछ अच्छा सा हमें कुछ पोएम सुनाओ, कुछ सॉन्ग सुनाओ, कुछ अच्छी बात बताओ, बस ऐसे सर मार रहे हो फिर हम नाराज हो जाएंगे आपसे। अच्छा चले सारे बच्चे ना मेरे साथ मिलके गाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है जी सुनाओ। गाओगे ना बच्चों? वो अलग आता है ना लकड़ी की काटी। वो तो सब बच्चों को आता है, मेरे शेल्टर के सब बच्चों को आता है। हाँ मैंने बहुत सारे घोड़े दिए हुए हैं शेल्टर में अंदर ना, और फिर वो चलाते हैं और ये गाना गाते हैं। चले जी चलो, 1 2 3 चले। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा घोड़ा, घोड़ा 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 देखो कितनी चर्बी है, रहता है मेरूनी में पर घोड़ा अपना अरबी है। टबक 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 घोड़ा अपना तकड़ा है,
देखो कितनी चर्बी है, रहता है बैरूनी में पर घोड़ा अपना अरबी है, बाप चुरा के दौड़ा घोड़ा दुख उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो पाया दौड़ा 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 दुम दौड़ा के घोड़ा। ओ भाग गया घोड़ा, भाग गया घोड़ा, भाग गया, कुछ नहीं जोर से मारा इन्होंने। हमारा घोड़ा भाग नहीं सकता क्योंकि हमारे दरवाजे बंद होते हैं। अच्छा हाँ, हम शेल्टर में जब रहते हैं तो बिल्कुल महफूज रहते हैं। ओके लेकिन ये फ्रेंडशिप हो जाती है ना सारे घोड़ों के साथ। घोड़ों, अरे बिल्ली हमारे यहाँ, वहाँ शेल्टर होम में कहीं से एक बिल्ली आ गई है, इस कदर कोई उस बिल्ली से इन सब की दोस्ती भी है। लेकिन कल मैं इतनी बुरी तरह डर गई, मैं बैठी थी तो एक हमारी बहुत छोटी सी बच्ची, उसका नाम तूबा है। अच्छा। बिल्ली की दुम पर इतनी जोर से वो मारे थी और मैं डर गई। लेकिन यकीन जानो जानवर भी क्या मानूस होते हैं। उस मैं डर रही थी लेकिन उस बिल्ली ने उस बच्ची को कुछ नहीं कहा, तो पता चला कि ये बच्ची और ये बिल्ली तो रोज खेलते हैं शेल्टर में। तो इतनी दो, अब ये बच्चियां जब कुछ खाते हैं ना तो जो भी गोश्त की चीजें जो होती हैं फिर बिल्ली को उसको दी जाती है, और क्या दोस्ती इन बच्चियों की और उस बिल्ली की है। अच्छा जी चुंटू ये बताएं, ये जो जानवरों से लोग प्यार करते हैं बच्चे, ये अच्छी बात है या वो जो गली में पत्थर मारते हैं उनको काम कहीं में, अब कुत्ते को मारो कुत्ता कहते हैं यार मैं कुत्ता हूँ ये मुझे क्यों मार रहे हैं, अब तो क्या कहना चाहोगे? जानवरों से प्यार करना चाहिए, ये बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे, बेचारे बेजबान होते हैं ना, अब ये बोल भी नहीं सकते। अब कभी ना बिल्ली होती है वो बुलाती है ना अगर किसी को, तो बोलेगी म्याओ म्याओ आओ आओ, और अगर दूसरे वाले का दिल नहीं होता तो कहते हैं तुम बिल्कुल नहीं आओ, जाओ वहीं रहो। तो बच्चों को चाहिए कि बिल्ली को और जो कबूतर होते हैं ना, कबूतर और चिड़िया, उनको पानी भी पिलाया करो, गर्मी बहुत है, गर्मी में ना उनको पानी वानी पिलाया करो। इन्होंने प्लांट्स भी लगाए हुए मेरे बच्चों ने शेल्टर में, इनके सबका अपना अपना पॉट है, और फिर हमने उनको कहा कि इसमें तुम बीज डालोगे और फिर जितना ख्याल करोगे, पानी दोगे, धूप में रखोगे, उस बच्चे का पौधा उतनी जल्दी ग्रो करेगा। मैडम सब... को चाहिए कि मैडम आप ना वो कूड़ा होता है ना मट्टी का वो रख दिया करें, बस जगह जगह पे ना उसमें पानी डाला करें। वहां से तो फिर मेरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो जो 6 महीने वाले जो क्रॉल करते हैं, पता चलेगा चुड़ियां कम, वो बच्चे वहां पहुंचे हुए होंगे। हाँ ये तो फिर गलत, हम छत पे, हम छत पे रख सकते हैं उसको, हम छत पे जरूर रखेंगे। माशाल्लाह मेरा सहन, अल्लाह ताला ने शेल्टर का सहन ऐसा दिया है, वहां छोटे छोटे बच्चे, 1 घंटे का बच्चा, 2 घंटे का बच्चा, और नानियां दादियां, क्योंकि मेनली यहाँ पर खवातीन होती हैं, तो मेरे शेल्टर होम में तो माशाल्लाह इंसानों की इतना आना जाना है, लेकिन ये सब बहुत फ्रेंडली हैं। जो हमारे पास आ जाता है, चाहे हम उस किसी परिंदे को रखें, चाहे वो हमारी बिल्ली हो, और चाहे वो, मैं समझती हूँ कि जो आपने चिड़ियों की मिसाल दी है, तो सब यहाँ पर आके बहुत मानूस हो जाते हैं और हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। क्या बात है आलिया बाजी, चुंटू से ऐसी डिस्कस करिए, चुंटू को खूब मजा आ रहा है, ये प्रोग्राम है चुंटू का है, ईद का मजा आ गया। ईद ईद पे क्या क्या खाया चुंटू आपने? मैं छवैया खाई, छवैया छवैया छवैया। रेडी हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आयो? लेके आया हूँ ना मैं। क्या लेकर आयो? गाड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें लेके जाना है। अच्छा सभी ये बच्चे बहुत देर से डिसाइड करे, कुछ पूछना चाह रहे हैं चुंटू से। चुंटू से चुंटू देखो ये बच्चे कुछ कह रहे हैं जी, बोलो बेटो। आपकी ऊंचे क्यों है? आपकी क्या कह रही है? क्या बोल रही है? आपकी मूंछें क्यों हैं? अच्छा मूंछें क्यों हैं? ये मूंछें मैंने इसलिए रखी है ना कि वो जो दूसरे जानवर होते हैं ना वो मुझसे डरते हैं, मैं उनको मूंछों पे ताव देता हूँ, भाग जाते हैं। असल में नाम चुंटू है। आपने भी कुछ पूछा? नहीं असल में ये पूछते भी घबरा रहे होंगे, इतना बेहतरीन जवाब सामने से आ रहा है ना, लेकिन इसने बिल्कुल, बच्चा जितना छोटा होता है उतना मासूम और बिल्कुल बेबाक होता है, वो अपने जो उसके दिल में आते हैं वो सवाल कर लेता है। बेटा आप भी कोई सवाल कर लेना, जितनी इतने इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं। ये पीछे कौन है राबिया? आई हूं मां जी। बेटे मुझे भी एक पूछिए बेटा, माइक दीजिएगा। बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों का फेवरेट कार्टून से ही बात करेंगे ना, और किससे बात करेंगे? चिंटू आया है तो बच्चे उनसे एंजॉय करें। तो ये चिंटू का ही बन गया है। दुखी भरी दांत सुने कि लोग बच्चे डिसार्ड हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं बच्चों से। कितने प्यारे सवाल हैं, आपने मूंछें क्यों रखी हुई है, अब थोड़े देर पूछ लेंगे आपके बाल काले क्यों हैं, भैया अगर चिंटू की उम्र कम है तो बाल काले ही होंगे। ये बच्चे कुछ पूछना चाह रही है, क्या पूछना चाह रही है? पूछो भाई। आपने पूरे रोजे रखे? ओ देखिये हम मुसलमान है, हम पूरे रोजे रखते हैं, और इंशाल्लाह पूरे रोजे, अब 2 रह गए ना, 3 रह गए, वो भी इंशाल्लाह रख लेंगे। मैंने कल एक रखा था, ईद है, ईद है, ईद है,
ईद ईद का पहला दिन है, सॉरी इट्स ओके जी। आप पूरे पूरे रोजे रखे हैं और इंशाल्लाह अब तो ईद आ गई ना, अब तो ईद पे अब तो पूरे अब पिछले रमजान में पता है मैंने फ्रिज में रख दिए थे तो सारे रोजे ठंडे हो गए थे। वो हमारी अम्मी ने निकाल के ना वो फेंक दिए, फिर बोला ये तो फ्रिज में ठंडे हो गए। अरे सदके जाओ। अब यासी ये इन्होंने फ्रिज में रोजे रखे, कोई फ्रिज में रखता है? देखो कोई रखता है फ्रिज में, मुझे कोई बच्ची बताए कोई रखता है। सवाल एक और है ना, वो पूछ रहे हैं कि पिछले साल तो वहाँ रख दिए थे, अब इस साल कहाँ रखे आपने रोजे? इस साल ना मैंने पूरे रोजे रखे पूरे, मैं सोच रहा था ना, मगर अम्मी ने ना फ्रिज में ताला लगा दिया था। और मैंने बोला मैं कहाँ रखूं, मैं सोचता रहा, मैंने बोला चलो खुद ही रख लो फिर। अच्छा, फिर मुझे रखने पड़ गए ना, अब क्या करें। आप बेड के नीचे रख लेते। क्या कह रही है आप? बेड के नीचे रख लेते, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर। बेड के नीचे रखता ना, वो बिल्ली हमारी ले जाती। वो चिंटू के लिए भरपूर क्लैप कर रहे। अच्छा जी, इनके साथ एक छोटा सा सोच रही हूँ, म्यूजिकल चेयर हो जाए जरूर। ठीक है जी, टेस्टलैंड की जानिब से एक आपका म्यूजिकल चेयर्स का एक बच्चों के साथ कौन कौन खेलेगा? 1 2 3 क्यों भाई शेजा तुम्हारा? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माशाल्लाह फौरन हाथ उठाते हैं, कुछ को मुझे पूछना पड़ता है जी भाई क्या बात है। अच्छा। हाँ, तो फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं। चले पहले हम इस पार्टी का कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी पार्टी है क्या। ठीक है जैसा ठीक पहले है। आप लोगों के साथ हो जाए जी। नाजी आप लोगों ने कहीं नहीं जाने, जानेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।